जिला अस्पताल में 6 माह से अधिक समय से दिल की धड़कन और पैरों के संतुलन की जांच करने वाली टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट जांच बंद है। इसकी वजह से मरीजों को यह जांच बाहर से रुपए खर्च करके करानी पड़ रही है। इसके अलावा पिछले 2 माह से कलर डॉपलर इको मशीन की जांच भी बंद है। मरीज इसे लेकर कई बार जिला अस्पताल में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक जाँच शुरू नहीं हो सकी है। आपको बता दें, जिला अस्पताल में लापरवाही के चलते ट्रेडमिल टेस्ट टीएमटी मशीन खराब पड़ी हुई है। इसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। जबकि सप्ताह में 2 दिन टीएमटी जांच होती है। यह जांच निजी अस्पतालों में कराने पर मरीजों को 1500 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। इसके अलावा कलर डॉपलर इको मशीन की भी जांच नहीं हो पा रही है। यह मशीन भी पिछले 2 माह से खराब पड़ी है। इसके लिए मरीजों को बाहर से 1000 से अधिक रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि दोनों जांच के 10 से 12 मरीज रोज जिला अस्पताल पहुंचते हैं। गौरतलब है कि ट्रेडमिल टेस्ट मशीन की मदद से मरीज की हृदय बीट को मापा जा सकता है, जिस कारण मरीज की सही स्थिति का पता चल जाता है कि मरीज चलने की अवस्था में किस प्रकार महसूस करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा। हाँ, इको मशीन लगभग 1 महीना 10 दिन होने जा रहा है और वो बनाने कई बार कोशिश किया, सामान भी मंगाया, कुछ सामान मंगा रहा है, लगा रहा है और शायद कल परसों तक, परसों बात हुई शनिवार को कि शायद वो कह रहा है कि शायद रिपेयर होने से भी एयर हो रहा है, बियॉन्ड जा रहा है। तो हमने कहा इस बात पर रिपोर्ट दे दो, तो हम दूसरी इको मशीन पहले ही मांगी जा चुकी है, फिर इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। सर, टीएमटी मशीन भी कंडम हो चुकी है, उसके लिए क्या व्यवस्था? उसके लिए मांग पत्र भेजा जा चुका है।